Hi guys, welcome back to another episode of Vinesh Talk World. Guys, बहुत सारे messages आते हैं मुझे कि भाई मैं German Shepherd ले रहा हूँ, please मुझे ये बताइए कि इसका coat कौन सा है. तो मैं ज़्यादातर सबका reply यही करता हूँ कि भाई सबसे जो आसान तरीका है ये जानने का कि आपके puppy का coat कैसा है वो ये है कि माँ बाप देख लीजिए. जैसे माँ बाप हैं बच्चे भी ज़्यादातर वैसे ही निकलेंगे. हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप नहीं अवेलेबल हैं या लोग कहते हैं यार मुझे ब्रीडर पे भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है वो गलत माँ बाप दिखा रहा है. तो इस केस में क्या करें. तो गाइज, आज मैं वैसे इससे पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ कि जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी कैसे चेक करें, लेकिन ये आज एक और वीडियो है, इसमें मैं आपको फिर से बता दूंगा कि जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी कैसे चेक करें. आज मेरे पास दो बच्चे हैं लॉन्ग कोट के, तो मैं आपको बताता हूँ. ये हैं दोनों बच्चे, आप देख सकते हैं फुल लॉन्ग कोट बच्चे हैं, मेल हैं दोनों ही. ठीक है, ये लगभग 40 दिन के बच्चे हैं दोनों. देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक बालों से भरे हुए हैं दोनों बच्चे. तो बात करते हैं भाई लॉन्ग कोट की. एक चीज़ आपने हर जगह देखी होगी कि लॉन्ग कोट के जो बाल हैं उनमें जब आप हाथ डालेंगे तो आपके हाथ एकदम गायब हो जाएंगे. देखिए हाथ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, देख रहे हैं आप, ये देखिए इतने बड़े बड़े बाल हैं इसके, ये देखिए. ठीक है, आपका बच्चा अगर सिंगल कोट है तो उसके इतने बड़े बाल नहीं होंगे. दूसरी चीज़ गाइस, आप ये चेक कर सकते हैं कि जब आप लॉन्ग कोट पपी के पीछे ऐसे हाथ फिराएंगे तो आपको बिल्कुल भी स्किन नहीं दिखेगी. देखिए मैं इसके फिरा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी स्किन नहीं दिख रही है, जबकि मैं उल्टा हाथ फिरा रहा हूँ, है ना, बालों की ग्रोथ के अगेंस्ट हाथ फिरा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी स्किन नहीं देख सकते. आप दूसरे पपी में भी देख सकते हैं, मैं दूसरा पपी भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए. ठीक है, बिल्कुल भी आपको स्किन नहीं दिखेगी इनमें. ठीक है, चाहे आप कितना भी हाथ कर लीजिए, जितना आपका मन हो आप उतना कर लीजिए, आपको स्किन नहीं दिखेगी, है ना. जो सिंगल कोट के पपीज़ होते हैं जब आप उसमें ऐसे करेंगे तो आपको स्किन दिख जाएगी. एंड मैंने एक पहचान बताई थी कि जो सिंगल कोट के पपीज़ होते हैं उनके अगर बाल बचपन में बड़े भी होंगे तो वो सीधे सीधे बाल होंगे, है ना, एकदम सीधे एकदम स्ट्रेट टाइप के. इनके जो बाल होते हैं लॉन्ग कोट पपीज़ के, ये आप अगर गौर से देखेंगे, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा घुंघराले टाइप के होते हैं बचपन में, है ना. आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पैचेस टाइप के हैं बाल में, थोड़ी लेयर टाइप की है. तो ये आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि आपका जो बच्चा है वो लॉन्ग कोट है या नहीं. तीसरी चीज़ गाइज, एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लॉन्ग कोट लो, चाहे सिंगल कोट लो, चाहे मीडियम कोट लो, चाहे कुछ भी लो, लेकिन बोन्स ज़रूर चेक करो. हैवी बोन पपी ज़रूर होना चाहिए यार, क्योंकि मान लो बड़े बाल वाला ले आए लेकिन वो छोटा सा दुबला पतला रह गया, मज़ा नहीं आएगा यार. प्यार तो उसे बहुत करोगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा जब किसी ऐसे डॉग के सामने जाओगे जिसके भले ही बाल ना हो लेकिन पंजे चौड़े चौड़े होंगे ना, आपके वाले के पंजे छोटे छोटे होंगे, तो मज़ा नहीं आएगा. तो गाइज, जब भी पपी लो तो यार देख के लो कि हैवी बोन हो एकदम, जैसे ये है आप देख सकते हैं, इतना छोटा पपी है एंड लगभग मेरी 3 फिंगर के बराबर इसका पंजा है अभी से. ठीक है, 40 दिन का बच्चा है और 3 फिंगर के बराबर इसका पंजा है, देख सकते हो आप, है ना. तो जब भी लो यार तो ऐसा ही पपी लो जो हैवी बोन हो, है ना, आप भी देख सकते हैं अच्छे को. टेल, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई टेल पे तो बहुत बड़े बाल थे लेकिन बॉडी पे नहीं थे. तो गाइज ऐसा नहीं है यार, टेल पे बाल कई बार सिंगल कोट के बच्चे के भी आ जाते हैं. वो बचपन में आपको लगेगा बहुत बढ़िया है लेकिन बड़े होके वो बाल कम हो जाएंगे. तो सिर्फ टेल देख के डिसाइड ना करें, पूरी बॉडी के बाल देखें. फिर और भी बाल देख सकते हैं आप, जैसे ये वाले बाल जो पैर के पीछे हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं पैर पे यहाँ पे भी बाल होंगे, ये वाले बाल आपको दिख रहे हों कैमरे में शायद, यहाँ पे भी पैरों पे बाल होंगे दोनों पैरों में. ठीक है, ये वाले बाल आपको सिंगल कोट में नहीं दिखेंगे, ये अगर बाल हैं तो आपका पपी लॉन्ग कोट ही निकलेगा. ठीक है, मैं आपको दूसरे पपी के भी दिखा देता हूँ, ये वाले बाल हमेशा आपको लॉन्ग कोट में दिखेंगे. ये वाले बाल आपको लॉन्ग कोट पपी में दिखेंगे हमेशा. और कलर की यार बात करते हैं, ये जो कलर है ये फुल डार्क ब्लैक फेस में आएगा, जो बहुत लोग डिमांड करते हैं कि भैया मुझे फुल ब्लैक फेस चाहिए. लेकिन फुल ब्लैक फेस बहुत ही यार कम अवेलेबल होता है, क्योंकि हर बार पपीज ब्लैक फेस वाले अवेलेबल नहीं होते, ज़्यादातर पपीज इस टाइप के अवेलेबल होते हैं. बट ये कुछ रेयर केसेस में होता है जो ऐसे पपीज पैदा होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कलर है. तो बात कर लेते हैं गाइस, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार इनका प्राइस क्या है.
गाइस इनमें से एक पपी जो है वो राहुल भैया हैं, यूट्यूब के थ्रू ही मिले मुझे, वो बुक कर चुके हैं, तो वो अभी आके कुछ देर में इनमें से एक पपी ले जाएंगे जो उनका फेवरेट होगा। एक कोई इनमें से मेरे पास बच जाएगा, तो अगर आपको ये पपी चाहिए तो इनका प्राइस ज़्यादा नहीं है यार, गणेश डॉग वर्ल्ड है, सिर्फ़ और सिर्फ 12,500 रुपये के पपी हैं ये, ठीक है मेल। लेकिन भाई डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है, लखनऊ में आके लेना पड़ेगा जिसको भी लेना है। अगर आप लखनऊ में रहते हो एंड तुरंत आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ मेरे घर पे, सीधे आओ, पपीज़ को देखो, समझो, क्वालिटी अच्छी लगे पैसा दो, नहीं लगे कोई बात नहीं, ना दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर रहते हो और आपका 2-3 दिन में आने का प्लान है और आपको लगता है कि यार आपको ये पपी चाहिए, कहीं ये पपी सेल ना हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस पे कर सकते हो थोड़ा बहुत, जितना आप पे करना चाहो, हम आपके लिए पपी 1 या 2 दिन या 3 दिन रोक लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भाई, ठीक है 2-3 दिन हम आपके लिए पपी रोक लेंगे, आप आके ले सकते हो, मेरे घर से ही आपको पपी मिलेगा, मेरे ही पास पपी हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर अब भी कोई शंका रह गई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड मेरे और भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने, मेरा एक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें मैंने जर्मन शेफर्ड का एक लॉन्ग कोट पपी और एक सिंगल कोट पपी को सामने रख के कंपेयर करके दिखाया है। एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने अपनी भालू को दिखाया है, 33 डेज़ की थी तब वो, ये तो बिल्कुल सेम मेरी भालू जैसा है, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम मेरी भालू जैसा है। एंड मेरे ख्याल से जो ये प्राइस है 12,500, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लखनऊ का कोई भी पेट शॉप आपको इस पपी का ये दाम नहीं दे सकता, ठीक है मैं ये दावा कर सकता हूँ, ये प्राइस लखनऊ में आपको कोई भी पेट शॉप नहीं दे सकती। अभी मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले एक पिक्चर भेजी थी, तो बिल्कुल सेम ऐसा बच्चा था, डार्क ब्लैक फेस था उसका, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी, बोला भाई 17,000 का बच्चा है, ले जाओ, ले जाना हो तो, मैंने कहा भाई अच्छा ठीक ठीक मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, है ना। तो गाइज अगर आपको ये बच्चों में से कोई ख़रीदना हो, कोई चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो पहले कहा था, डिलीवरी नहीं है। एंड अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो एडवांस कर दीजिए, तो 2-3 दिन के लिए आपका बच्चा बुक हो जाएगा, 2-3 दिन बाद आप आके लखनऊ से ले सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म कर देते हैं, एक बार फिर से बच्चों को देख लीजिए पास से, तो ठीक है गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। हाँ बेटा पीछे क्यों देख रहे हो, देखते रहिएगा आपका अपना फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।